नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। श्राद्ध माह की शुरुआत हो गई है। इस माह का कितना महत्व है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। सनातन धर्म में पिंड दान की प्रथा आज से नहीं बल्कि सतयुग से चली आ रही है। मान्यता है कि लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे थे तो उन्होंने पहला पिंडदान अपने पिता राजा दशरथ का प्रयागराज में किया था। उसी के बाद से हिंदू धर्म में पिंडदान की प्रथा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि पहला पिंडदान प्रयागराज में किया जाता है, दूसरा काशी में और तीसरा गया धाम में। प्रयागराज को भगवान विष्णु का मुख कहा गया है और काशी भगवान विष्णु का पेट है, तो वहीं गया धाम भगवान विष्णु के चरण हैं। अंतिम पिंडदान वहां करने के बाद मृतकों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं पहला पिंडदान प्रयागराज में क्यों किया जाता है और क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। पितरों की मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रयाग के संगम पर श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। वहीं त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा धरती पर भूख प्यास में भटकती रहती है और अपनी संतानों द्वारा प्राप्त पिंड दान से तृप्त होती है। सनातन धर्म के मुताबिक पिंडदान की परंपरा सिर्फ प्रयाग, काशी और गया में ही है। धर्म शास्त्रों में मोक्ष यानी मुक्ति के देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु 12 अलग अलग माधव रूप में विराजमान हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में भगवान विष्णु बाल मुकुंद स्वरूप में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि प्रयाग को पितृ मुक्ति का पहला और सबसे मुख्य द्वार माना गया है। इसके अलावा काशी को मध्य व गया को अंतिम द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि संगम पर पिंडदान करने से भगवान विष्णु के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। धार्मिक महत्व की वजह से ही पितृ पक्ष के दौरान देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में संगम पर पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। प्रथा भगवान श्री राम के समय से चली आ रही है। रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर वापस लौटे तो उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का पहला पिंडदान संगम तट पर प्रयागराज में किया था और दूसरा पिंडदान काशी में और अंतिम पिंडदान गया धाम में किया था। मान्यता है कि जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में हो श्राद्ध पखवाड़े में पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण से तृप्त होते हैं। शास्त्रों में पितरों का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। पितरों की श्रेणी में मृत माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी शामिल हैं, सहित पूर्वज और भी शामिल हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितरों की श्रेणी में आते हैं जिनको प्रयागराज में मोक्ष प्राप्त होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।